वन गुड आफ्टरनून तो आज है संडे और आज व्लॉग नहीं आएगा डेली व्लॉग जो होता है मेरा डेली रूटीन लाइफ स्टाइल जो है मेरी तो वो आपके साथ आज शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं आपसे साथ शेयर करूँगी फोटोज़ जैसे वैसे तो आप थमनल देख के समझ जाओगे क्योंकि थमनल तो डालूंगी बाद में तो आज है फोटोज डालने की बारी मतलब क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए थे कि नाइस जोड़ी नाइस कपल दीपकोभ को मेरे को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स थे थैंक यू सो मच इतना तो सारा प्यार देने के लिए और हम दोनों की जोड़ी को पसंद करने के लिए और साथ ही साथ सबका था कि आप अपने फोटोज़ दिखाओ तो ऐसे फोटोज़ है इसमें जो मैंने शायद सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की होंगी तो वो फोटोज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे लैपटॉप लाया हुआ है और यहाँ से फोटो जो है आपने कॉपी करके फ़ोन में ले लिया वहाँ से एडिट करूंगी लैपटॉप में मैं एडिट नहीं करती मुझे इतना आइडिया नहीं लगता है फ़ोन में करूँगी और फिर अपलोड कर दूंगी बाकी आ, आज का दिन कुछ खास नहीं था आज का दिन व्लॉग बनाने के लिए क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप काम चला हुआ था साफ सफाई चली थी आज थोड़ी डीप क्लीनिंग कर रहे थे मम्मी और मैं हम दोनों और फिर उसके बाद नहाना धोना बस वही चला था क्योंकि कल हम सोच रहे हैं कि पियो जाए देखते जाए जाते या नहीं जाते क्योंकि घर जाना है रक्षाबंधन में तो फिर आके भी रक्षा नहीं पड़ेगी तो इसलिए सडनली प्लान बन गया कि हाँ जाना है पहले हमको समझ नहीं आता जाऊँ नहीं जाऊँ क्योंकि विहान का वो भी है क्या कहते हैं पिकनिक भी है और देखते हैं घर जाते हैं पिकनिक तक तो वापस आएंगे क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग भी है बहुत कुछ है तो आना पड़ेगा तो अब देखते हैं क्या करते हैं बाकी विवान को भी सुलाया हुआ है विवान बोला विहान बोला बता क्या बोलती बच्चों का नाम तो विवान को सुलाया हुआ है विहान मेरे साथ है और आप यहाँ से आगे अब जो है वो फ़ोटोज़ इन्जॉय कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी फोटोज़ होगा तो ये सब कुछ और यहाँ से आगे जो भी है शेयर करते हूँ तो बने रहे मेरे साथ तो इस फ़ोटो से जो तो आप सभी परिचित है क्योंकि मैंने आपको ये फ़ोटो दिखा दी थी बाकी एक और फ़ोटो है मेरे स्कूल टाइम की जब मुझे अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम प्राइज़ मिला था एनुअल फंक्शन में बाकी उसके बाद ये फ़ोटो है तब की जब मुझे फ़र्स्ट टाइम फ़ोन मिला था फ़ोन ऑफिशियली फ़ोन मिला था फ़ोटो था तो बाकी ये फ़ोटो है जब मैं अपने कॉलेज के लिए फर्स्ट टाइम जा रही थी और ये मेरे फ़र्स्ट डे कॉलेज का जब मैं पीजी कॉलेज सोलन में मैंने एडमिशन लिया था तब की फ़ोटोज आई ये और उसी के बाद ये फ़ोटो है जब मैं अपने घर की तरफ आई थी मतलब तो घर में फंक्शन था तो उसमें आई थी तो उसकी फ़ोटो है और उसके बाद बस थोड़ी बहुत ऐसी यादें हैं जो अपने घर की थी और ये इसमें क्या था कि मेरी रूम जो है वो अंदर काम करेगा अगर आप गौर से देखो तो अंदर काम करी थी तो मैंने खींचा था और ये मैं दिवाली में घर आई थी कुछ दिनों के लिए तो उस टाइम की फ़ोटोज़ है ये और उसके बाद जो है दिवाली में जब घर आई तो दीदी के साथ उसका आधार कार्ड बनाने गई थी तो ये दीदी के साथ तब की फ़ोटो है तो मतलब फ़ोटोज़ जो है ना बहुत यादगार रहती है ये तो सारी हॉस्टल वाली फ़ोटोज़ ही हैं क्योंकि ना तो मेरे पास इंस्टाग्राम है जहाँ पे मैं पहले शेयर करती और इस फ़ोटो का बहुत एक फ़नी सा टाइम था कि हमने सेम कपड़े पहने थे मेरे रूममेट और मैंने और ये वाली फ़ोटो तब की है जब दीपक हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और ये है हमारा फर्स्ट बर्थडे जो हमने साथ में मनाया था और उसके बाद ये फ़ोटो मुझे नहीं कोई आइडिया था कि ये मेरा फर्स्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट फ़ोटो बन जाएगा शादी से पहले का दिन है तो शादी से एक दिन पहले की फ़ोटो है जब हम दोनों घूमने के लिए गए थे और उसके बाद जो है वहाँ पे नेक्स्ट डे हमने शादी कर ली थी तो मतलब सोचा नहीं था कि ये फ़ोटो ऐसे लास्ट फ़ोटो बन जाएगी ऐसे बैचलर बोल सकते हो कि बैचलर होते होते लास्ट फ़ोटो होगी तो ऐसे हमने उसके नेक्स्ट डे हमने शादी कर ली थी और उसके बाद जो है ये फोटो है ये फ़ोटो जो है वो है जब हम घर के लिए आ रहे थे और मेरे को इस फोटो का एक चीज़ लगता है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी मैं ये सूट सिला था क्योंकि मेरे पास सूट नहीं थे मैं सूट पहनती नहीं थी तो इसलिए और ये ससुराल में मेरा सेकंड डे था शादी के बाद और ये फोटो ना मेरी बहुत यादगार है क्योंकि पापा को ना देखे मेरे को तीन चार महीना हो गया था तो मम्मी ने मेरे को फ़ोटो भेजी हुई थी पापा की और ये फोटो है जब हम छुप के घूमने के लिए गए थे शादी करने के बाद और ये तब की फोटो है जब हम कॉलेज से वापस आते जब हम शादी करके कॉलेज गए तो फिर उसके बाद वापस आए हम और उसके बाद जो है ये फ़ोटो तब की है जब हम गए थे फर्स्ट टाइम दलोच के बाद दलोज मतलब छोटी शादी के बाद जो अपने माइके जाते हैं तो उस टाइम की फ़ोटो है दीपक और मैं गए थे माइके की तरफ को और ये फ़ोटो तब की है जब गाँव में पहला फंक्शन अटेंड किया था मैंने अपने ससुराल में तब की और ये है जब विहान जो है एक महीने का था तब की फोटो है बाकी ये फोटो है लॉकडाउन की जब लॉकडाउन में हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था जब कोई घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था और ये फ़ोटो है जब हमने विहान को फ़र्स्ट टाइम सोलन सॉरी चंडीगढ़ ले गया था तो विहान फर्स्ट टाइम अपने पैदा होने के बाद चंडीगढ़ जा रहा था तो तब की फ़ोटो है ये आ, बहुत क्यूट सा था विहान और उसकी फ़ोटोज़ जो है ना बहुत हमने सम्भाल कर रखी क्योंकि उस टाइम यूट्यूब नहीं चलाती थी मैं तो और ना ही सोशल मीडिया पर होती थी तो बहुत सारी फ़ोटोज़ ना हमने पेन ड्राइव में सेव करके रखी थी तो ये सारी चंडीगढ़ की फ़ोटोज़ है और ये फ़ोटो है जब मैं अपने माइके से घर वापस आ रही थी ससुराल की तरफ को और ये फ़ोटो बहुत यादगार है क्योंकि मैं उसको फर्स्ट टाइम टब में नहीं नलाया था ऐसे बिठा के नलाया था और ये है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में वोट डाला था वोटिंग के टाइम का और ये भी तब की फ़ोटो थी आई थिंक जब मैं चंडीगढ़ से वापस आई थी जब कुछ दिन में थे और ये फ़ोटो तो मेरी लास्ट फ़ोटो है जो मैंने हाथ में लास्ट हाथ में रिंग पहनी है और कान में एयर डाले तो वो लास्ट फ़ोटो है मेरी क्योंकि उसके बाद जो है मेरे ये दोनों चीज़ें गुम हो गए थे एयर और रिंग तो ये था तो बस यूँ ही सारी फ़ोटोज़ है क्या आप बोलूँ क्या अब नहीं बोलूँ समझ नहीं आ रहा है बाकी ये फ़ोटो तब की है जब मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉक डाला था उसका थम मैंने ये फ़ोटो रखा हुआ था और उसके बाद जो है ये फ़ोटो तब की है जब खान के बाल बहुत लंबे थे और काटने से पहले जो है मैंने उसके उसमें बालों में क्लैच लगाया था और ये है मेरे ननी हाल में जब मैं अपने ननी हाल में गई थी फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल सकती हाँ शादी करने बाद फर्स्ट टाइम ही गई थी तो तब की ये फोटो है और उसके बाद जो है पापा वगैरह आए थे यहाँ से मिलने के लिए लॉकडाउन के टाइम पे तो तब मैं उसे पियो लगी थी मिलवाने के लिए और ये फोटो तब की है जब हम सरान गए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को ये था कि लास्ट बार मैं दर्शन करना चाहती हूँ डिलीवरी से पहले तो हम दर्शन करने गए थे मम्मी वगैरह के साथ और उसके बाद हम आए वापस और हमारा बर्थडे था तो हम अपने ससुराल वापस आ गए थे और ये है दिवाली की फ़ोटो जब दिवाली मनाया था लास्ट टाइम प्रेगनेंसी के टाइम में तो इस तरीके से था सब मतलब प्रेगनेंसी टाइम से लेकर हर एक टाइम स्मेट मेट के रखा मतलब मैंने और ये टाइम था जब दीपक मुझे लेने आए थे क्योंकि डिलीवरी होने वाली थी तो दीपक लेने आए थे बाकी उसके बाद मतलब डिलीवरी के लिए जाना था तो ये बाकी इसके बाद आया विवान और विवान के साथ तो आपके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है क्योंकि विवान के आने के बाद ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और इंस्टाग्राम भी चलाना उसके बाद ही स्टार्ट किया तो विहान की याद मेट की रखी क्योंकि विहान के टाइम में मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी और ना मैं इंस्टाग्राम ना मैं यूट्यूब चलाती थी तो विहान की यादें मैंने समेट की रखी है बाकी विहान को तो अब आप, आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही है धीरे धीरे बड़ा होते हुए मतलब बढ़ते हुए जैसे जैसे बड़ा हुआ आप लोगों के साथ साथ ही हुआ क्योंकि दो महीने का था विवान जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी बाकी ये फ़ोटो है करवा चौथ की जब मैंने फर्स्ट टाइम करवा चौथ रखा था और बाकी के दो करवा चौथ वाले वीडियो व्लॉग तो मैंने अक्सर शेयर किए हैं क्योंकि ये व्लॉगिंग से पहले वाले करवा चौथ के फोटोज़ है जो मेरे पास पड़ी हुई थी बाकी इसके अलावा ये फोटो जो है ये वाला जो है मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें विहान जो है वो बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने रखी थी इस्भाल के और ये फ़ोटो तब के जब मैं अपने माई के गई थी सर्दियों में बैठने के लिए और वापस आते टाइम जो है ये दौड़ वगैरह जो है वो दिया जाता है क्योंकि अपने माईके जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आना मतलब लेके आना पड़ता नहीं मतलब रिवाज है कि कुछ ना कुछ देते घर वाले तो ये दुढ़ वगैरह जो पेन था वो सब कुछ था बाकी ये फ़ोटोज़ ऐसी कुछ यादें हैं जो मतलब हो जित छोटी छोटी सी यादें क्योंकि इसमें विहान को देख सकते ना क्यूट लग रहा है और इसमें जो है अब रेंगना स्टार्ट हो गया था तो ये क्रॉलिंग करा था तो इधर उधर भागता था लग तो ये फोटो है बाकी ये उसके फर्स्ट मंथ की फोटो है जो मैंने अभी रखी है तो ये है बाकी कुछ कुछ फ़ोटोज़ है जो उसकी मतलब क्यूट सी है क्योंकि वो बचपन में बहुत गोलू मोलू सा होता था और ये फोटो तो बहुत फ़नी है क्योंकि मैं इससे मैं ऑयलिंग की थी मैंने ऐसी फ़ोटो खींच लिया बस रैंडमली और उसके बाद जो है ये हमारा कुछ मजाक चला होता था और हमने ऐसी फ़ोटो ले लिया था तो ये यादगार पड़ी हुई है और ये विहान का जो है फर्स्ट मतलब मुंडन था फर्स्ट मुंडन के मुंडन था और मुंडन के बाद ना विहान कुछ इस तरीके से लग रहा था बहुत फ़नी लग रहा था क्योंकि सर बहुत ज़्यादा बड़ा है विहान का और इसीलिए वो उसके फोटोज लेती रहती थी क्योंकि बाल के साथ तो वैसे फ़ोटो होते हैं ये बट टकले में फ़ोटो खा रखते हैं हम तो बहुत बड़ा सेट था तो इसलिए उसके फोटो सारे समेट समेट के रखे हुए थे और देख सकते सच में बहुत गोलू मोलू सा ऐसा था तो बस कुछ ये सारी फोटोज थी और ये सब कुछ मेरी यादें थी जो मैंने आज तक समेट के रखी है तो देखिए आपने फ़ोटोज़ कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताना और बहुत सारे फ़ोटोज़ में से सिलेक्टेड फ़ोटोज़ ही मैंने लिए क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ थे इतने सारे फोटोज़ तो डाल नहीं सकती थी कुछ कुछ ऐसी थी जो हाँ मतलब होती है ना यादगार और उसके पीछे कुछ रहा हो तो बस वही फ़ोटोज़ डाली और वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि विहान और विवान दोनों थे और इस चक्कर में विवान भी उठ किया गया था तो इस चक्कर में क्या था कि मुझे कभी बात करे कभी कुछ कर करे तो भर भर कर रिटेक करना पड़ रहा था तो ऊपर से शॉप पे हु तो कभी कुछ आवाज़ कभी कुछ 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 चला वगैरह बस बट आप लोग के लिए ब्लॉग डालना था तो फिर शूट किया है बाकी शूट किया क्या मतलब एडिट वगैरह करके डाल दिया है तो कैसा लगा बताना और हाँ चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और कल आएगा आपके लिए डेली ब्लॉग और उसके बाद जब मैं अपने माइके जाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने कॉलेज की खूबसूरत यादें वाली फ़ोटोज़ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर जाने के बाद क्योंकि वहाँ पे मेरा एल्बम पड़ा है मेरे कॉलेज टाइम का तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे घर जाने के बाद और बस इतना ही उससे ज़्यादा कुछ नहीं बाकी कुछ भी कुछ नहीं मुझे समझ नहीं, कि नहीं आ रहा मैं कितनी बार बोलूँ इतने बार रीटेक कर चुकी हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ बाकी कुछ नहीं है अब नहीं आ, मिलते आपसे कल नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय